तो मैं उस तो कुछ तरफ से देखो भाई, सबसे पहले मैं कुछ बातें तुम सबके सामने क्लियर कर लूँ कि मैंने इतने दिनों से वीडियोस क्यों नहीं अपलोड की। बेसिकली बात यहाँ से शुरू होती है कि मेरे माउस ने काम करना छोड़ दिया था। मतलब हुआ कुछ ऐसे कि जब मैं अपने माउस को अपने लैपटॉप पे कनेक्ट करता था ना, तो वहाँ पर काम ही नहीं करता था। लेकिन जब मैं उसी माउस को किसी दूसरे डिवाइस पे कनेक्ट मारता था, तो वहाँ पर बिल्कुल A1 चालू होता था। फिर तुम्हारे भाई ने रिसर्च मारी, तो वहाँ से लाके उसको पता चला कि भाई मेरे जो माउस के ड्राइवर है ना, उनकी फाइल्स थोड़ी बहुत करप्ट हो चुकी है। तो इसका सलूशन ये है कि मेरे को शायद विंडो करनी पड़ जाए। तो मैंने फर्स्ट तुम्हारे भाई ने ट्राई मारा विंडोज 10 को, मगर वहाँ पे कुछ ऐसा हुआ कि मेरे DVD के लोड़े लग गए। तो तुम्हारे भाई ने किया कुछ ऐसा कि भाई उसको विंडोज 8 करनी पड़ गई। हुआ कुछ यहाँ से कि तुम्हारे भाई ने जब विंडोज 8 को इंस्टॉल कर लिया अपने कंप्यूटर में, तो गलती से मैंने डी ड्राइव में कर ली थी। डी ड्राइव में तुम्हारे भाई का सब कुछ पड़ा हुआ था, मतलब के मूवीज, तुम्हारे वेब सीरीज, तुम्हारे सॉफ्टवेयर, मतलब सब कुछ। हालांकि मेरे न्यूज भी वहाँ पर पड़े हुए थे। नहीं मजाक कर रहा हूँ। अच्छा, तो फिर क्या, दोबारा से सब कुछ डाउनलोड करना शुरू हो गया। मगर जब Adobe की बारी है, तो मेरे को जाकर पता चला कि भाई जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, उसको अपडेट करना पड़ेगा। मेरा कहने का ये मतलब नहीं कि Adobe का कोई भी सॉफ्टवेयर विंडोज 8 पर चलता ही नहीं है, मतलब ये कि जो अभी मैं एडिशन यूज करता हूँ ना, वो विंडोज 8 पर नहीं चलता। मतलब कि मैं 2019 यूज करता हूँ, तो वहाँ पर चलेगा कोई 2014 या ज्यादा हाथ मार लो 15 चल जाएगा। ठीक है, अब तुम खुद इमेजिन करो कि इतनी मेहनत करके भी तुम्हारा वही सॉफ्टवेयर ही ना चले जिससे तुम्हारा काम चालू होता है, तो फिर क्या होगा। खैर यार, फिर दोबारा से तुम्हारे भाई ने रिसर्च मारना शुरू गया, तो विंडोज 10 की सीढ़ी को कभी कोई यहाँ से ला रहा है, वहाँ से ला रहा है, 50-50 रुपए खर्च करी जा रहा है। 50 रुपए तुम्हारे लिए तो कोई बड़ी चीज नहीं, लेकिन भाई मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है। रणविजय की तरह। लेकिन जब फाइनली मैंने विंडोज 10 की एक सीढ़ी को चालू कर लिया, तो वहाँ से जब मैं बायोस की सेटिंग पर गया, तो वहाँ से मेरे को आके पता चला कि भाई बूटिंग में सेटिंग चेंज करनी थी बस। फिर यार उसको देखने के बाद मेरा कुछ ऐसा रिएक्शन था, और फिर वही विंडोज हो गई। मगर डाटा की तो एक माउस के पीछे तकरीबन 500 GB का डाटा था मेरे भाई, सब कुछ छूट गया। कोई फिलोसोफर आके मेरे को कमेंट सेक्शन में ये ना बात करे कि भैंचोद तू की बैकअप बना लेता ना यार, कोई माँ के लड़ो तेरी माँ की चूत, इतना बड़ा बैकअप बना के मैं क्या करूंगा। मसला देखो यार, मेरा मसला होगी वेब सीरीज का नहीं है, मेरा मसला होगी मूवीज का नहीं है, मेरा मसला होगी गेम्स का, पिक्चर्स का, कुछ भी नहीं है। मेरा मसला ये है कि भाई कंटेंट बड़ा था यूट्यूब का, वो सारा कुछ डिलीट हो चुका है। मेरा मसला ये है कि सॉफ्टवेयर बड़े थे, वो सब कुछ उड़ चुके हैं। मेरा मसला ये है कि भाई सारा कुछ सेटिंग हुई हुई थी विंडो की, प्रॉपर चल रहा था, वो सारा का सारा उड़ गया। मैं दोबारा जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या, बस उंगल थी ना माउस ठीक करने की, तो होगी मट्ठी। करो पान पेश, करो करो। मुद्दे पर आते हैं, ये वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट होने लगे। तो हरीम शाह का तुम सबने नाम तो सुना ही होगा, ताबिश अश्मी का भी तुम सबने नाम सुना होगा। तो बस इंट्रो खत्म, हरीम शाह ताबिश अश्मी के शो में आई थी, तो हम बस उस पर रिएक्ट करेंगे विदाउट एनी फेस कैम। तो फिर चलो भाई अस्सलाम वालेकुम। खैर की तरह रिंग करें मैंने, प्लीज अभी बात करें ना। है नहीं? अभी बात करें, अभी नहीं मैं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? शिदा टली हमारा नजर करम मुर्शिद। शिदा जी जो हर साल अपने लाल हवेली की छत पर स्पेशल जश्न आजादी के पटाखे आसमानों पर छोड़ते हैं, और हम जैसे जो जाएंगे वेले तलंगे मुंह और लंड उठाकर वहाँ पर पहुँच जाते हैं, ताकि अपने व्हाट्सएप की आज की स्टोरी लगा सकें। मगर शायद हरीम शाह को ये नहीं पता कि शिदा साहब है कौन। शिदा जी पेश के लिए कितनी बड़ी फिल्म है, और ये बात हम सबको पता है कि भाई शिदा जी ने आज तक शादी क्यों नहीं की, क्योंकि इनको की लड़की नहीं बल्कि लड़की का भाई चाहिए होता है। अब इस कॉल कर देकर कोई ये वाली बात कर भी नहीं सकता, कह रहा किसी ने भी वॉइस चेंजर मारा होगा या फिर अपनी आवाज बदल कर कोई बातचीत की होगी, ऐसा कोई मतलब है भी नहीं, क्योंकि हम सबको पता है कि भाई हरीम शाह है कौन। साथ बैठा इमरान हाशमी का भतीजा ताबिश हाशमी भी अपना सर पकड़ के बैठ गया है। यकीनन ये शो शिदा जी ने जब भी देखा होगा तो बेचारा यही बोल रहा होगा कि कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं, और कोई काम है हमारा जलील होने के अलावा। ताबिश की भी अंदर से हल्की हल्की फट होगी कि यार हरीम शाह जैसी लड़की का इंटरव्यू लिया जा रहा है, जिसने किसी भी बंदे को नहीं छोड़ा, जिसके साथ भी मिलने के लिए गई है ना, उसके लोड़े लगे हैं। मुझे उम्मीद है कि ताबिश का भी स्कैंडल जल्द आ जाएगा। तो मेरा भाई, तू मेरा पुत्र छुट्टी का, कहाँ से बात कर रही है? मैं सिंध से बात कर रही हूँ। उनके साथ से बात अभी नहीं हो सकती, उन्होंने खवातीन के साथ अभी फिलहाल बात नहीं कर सकते। अच्छा, ये मेरे साथ मेरे भाई बैठे हुए हैं, वो बात कर लेंगे, आप बात करा दें। लोड़े लग गए, लोड़े लग गए। शुक्र है तुझे इसने अपना भाई बनाया, वरना ये कमी किसी को अपना बनाती है। अगर इस 40 मिनट में तेरे को अपना भाई ना बनाती, तो यकीनन एक दो दिनों तक हमें कुछ ऐसी वीडियो देखने को मिल जाती जिसका टाइटल कुछ ऐसा होता, ताबिश अश्मी की हुई वीडियो लीक। नंगी तस्वीर देखने के लिए इस वीडियो पर क्लिक करें। माँ की जू 2 मिलियन व्यूज पक्के।
बिच्छू। अभी भी कंफर्मेशन नहीं है कि इसका स्कैंडल कोई लीक होगा भी या नहीं, मगर हरीम शाह की शक्ल को देखकर मेरे को कुछ ऐसी वाइब्स आ रही है। इस बार तो छोड़ दिया मगर अगली बार फुल टपा टप। हरीम शाह की एक दोस्त भी देखी थी जमाने में सुनल खट्टा के नाम से, जिसकी कुछ अर्सा पहले ये वाली वीडियो वायरल हुई थी। संजू बाबा और सुनल खट्टा सारे मौजूद है। दिल गार्डन गार्डन हो रहा है जी। बिल्कुल मैं इसी वीडियो के हवाले से बात कर रहा था। अगर तुम कुछ और समझ रहे हो तो भाई कोई मसले वाली बात है नहीं, यूट्यूब से बाहर जाओ, गूगल भरा पड़ा हुआ है, यहाँ पर वो काम ही दिखाए जाते हैं, यहाँ पर सिर्फ हलाल तरीके दिखाए जाते हैं व्यूज लेने के। ये फंस गया। रिसेंटली मेरी एक फ्रेंड ही थी आयशा, उन्होंने मुझे धमकी दी। मैं उसी वक्त गई और मैंने कहा कि एक लीगल वे है, आपको कोई, उसी वक्त मैं FIR कटवा के उस पर इतने दफे लगा के आई हूँ, अभी तक रुपोश है कि माँ का चुदिया क्या हो गया। ओ भाई 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 भाई, मैंने गलती कर दिया कि मैडम हरीम पर वीडियो बना के उम्मीद है कि मेरे पर कोई दिफा नहीं लगाया जाएगा। नहीं मतलब अगर किसी पर वीडियो बनाते तो भाई उस पर दिफा तो नहीं लगता ना, अगर लगता होता मेरे ख्याल से मेरे से पहले हरीम को अंदर आना चाहिए, मगर अब मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज हो चुकी है तो अब बचने की कोई उम्मीद नहीं। तो फिर ठीक है, अगर मैं जिंदा रहा तो अगली वीडियो में मुलाकात होगी, नहीं तो फिर समझ जाना कि माँ चूत गई। तो भाई लोग देखो, अगर तुमको ये वाली वीडियो पसंद आएगी तो जाकर मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो मारो, क्योंकि बस फॉलो मारो। इसी के साथ साथ अब मैं आहिस्ता बोल रहा हूँ, ठीक है, समझ जाना कि अगर तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते। इसी के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ठोक देना, ताकि इस चैनल की थोड़ी बहुत टोर बन सके, और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर मारना मत भूलना। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए छिक के रखो।